मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। क्रिसमस पर मायावती ने दी बताई बोली, धर्म परिवर्तन को लेकर देश भर में बवाल मचाया जाना अनुचित। यूपी बसपा चीफ मायावती ने देश और प्रदेश की जनता को क्रिसमस पर्व की बधाई दी। ईसाई मजहब को मानने वालों को उन्होंने खास संदेश देते हुए कहा कि सेक्युलर संविधान के तहत देश में सभी सुख शांति तथा खुश व खुशहाली से रहे। ईसाई मजहब के मानने समस्त भाई बहनों को शुभकामनाएं। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि क्रिसमस पर्व की सभी देशवासियों व खासकर ईसाई मजहब के मानने वालों को समस्त भाई बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अपने सेक्युलर संविधान के तहत देश में अन्य सभी धर्म के लोगों की तरह ये लोग भी सुख शांति तथा खुश व खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, यही कामना। धर्म परिवर्तन को लेकर की जा रही कट्टरवादी राजनीति इतना ही नहीं, मायावती ने धर्म परिवर्तन पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने धर्म परिवर्तन को लेकर देश भर में बवाल मचाया जाना अनुचित व चिंतनीय। जबरन हर चीज बुरी होती है और बुरी नीयत से धर्म बदलना व बदलवाना दोनों ही गलत। अतः इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में देखना व समझना जरूरी। इसको लेकर की जा रही कट्टरवादी राजनीति से देश को लाभ कम हानि ज्यादा। सीएम योगी ने कहा था क्रिसमस की आड़ में ना होने पाए मतांतर। बता दे कि एक दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस और माघ मेला में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित कर शांति व्यवस्था कायम रखी जाए। शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि क्रिसमस की आड़ में कहीं मतांतर की कोई घटना ना होने पाए।